हेलो दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज का मेरा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैसे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इवेंट ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है और उसको सफलतापूर्वक फिनिश करने में भी वो कैसे मदद करती है। सो लेट अस स्टार्ट विद द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। और ये मेरा अनदर टॉपिक है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स वाली यूनिट से ही। सो हेयर इट इज माई फर्स्ट स्लाइड, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जो एक बेस है वो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो बड़े लेवल का टूर्नामेंट हो चाहे वो कोई छोटे लेवल का इवेंट हो। बट बेसिक फंडा जो है वो हमारा सेम है। जैसे एक हेड होगा, उसके अंडर में फर्दर कमेटीज होंगी, उसके अंदर में फिर और कमेटीज होंगी, और ये सारे डिसेंट्रलाइज होके ही कोई इवेंट को सफल बना सकती हैं। कोई भी इवेंट कोई अकेला बंदा या अकेला हेड उसको सफल नहीं बना सकता। सो हमें डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टाफ मेंबर्स या कमेटीज की हेल्प उसके लिए लेनी होगी। अब इनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या इनकी ड्यूटीज क्या क्या हैं, वो मैं आपको वन बाय वन आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव हेड होगा, उसका काम क्या होगा? दैट एग्जीक्यूटिव कमेटी और दैट एग्जीक्यूटिव हेड डायरेक्ट्स पास ऑर्डर्स have exclusive financial powers and headed by experienced administrative officials. यानि कि जो head होगा उसके पास इतना experience होना चाहिए ताकि वो दूसरों को भी duty बता सके कोई भी event को सफल बनाने के लिए। Then comes organizing committee. उसके बाद जो organizing committee आएगी वो क्या चीज़ है, उसका क्या role है? सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इट इज द बैकबोन ऑफ द इवेंट। बैकबोन, जैसे हमारी बॉडी में बैकबोन का क्या काम है, अगर हमारी बॉडी में बैकबोन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी सो वी आर नॉट एबल टू स्टैंड और सीट प्रॉपरली। इन अ सेम मैनर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भी यही काम है। पूरे इवेंट की बैकबोन होती है, यानी कि प्लेज सेंट्रल रोल इन टू मैनेज एनी टाइप ऑफ इवेंट एक्सेप्ट टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी क्योंकि उसको टेक्निकल कमेटी का या रूल रेगुलेशन का जो इवेंट से रिलेटेड है उसकी नॉलेज हो सकता है ना हो, लेकिन बाकी सारा इवेंट करने में वो हेल्पफुल होगी। आफ्टरवर्ड्स फाइनेंशियल कमेटीज, जैसा कि देखिए जो कमेटीज हैं उनका नाम भी इतना सिंपल है, दैट नेम डिफाइंस देयर रोल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल कमेटी, तो ये पूरा फाइनेंस के बारे में देखेगी, पैसा कहाँ लेन देन करना है, किस सिस्टम में या किस कमेटी को कितना देना है, ऑडियंस के लिए कितना खर्च करना है, पार्टिसिपेंट्स के लिए कितना खर्च करना है, वगैरह वगैरह। आफ्टरवर्ड्स टेक्निकल कमेटी, अगर कहने के लिए देखा जाए तो टेक्निकल कमेटी जो है दैट इज द मेन फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंट, जिसको पूरे रूल रेगुलेशंस की नॉलेज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बास्केटबॉल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो बास्केटबॉल से रिलेटेड नॉलेज वाले ही ऑफिशियल्स या रेफरीज या एम्पायर्स हमको हायर करने होंगे जो कि इस कमेटी में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जिम्नास्टिक का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना है तो स्पेशल काइंड ऑफ जजेस जिसको पूरी जिम्नास्टिक की नॉलेज होगी वही हम हायर करेंगे और वही मिलकर टेक्निकल कमेटी फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज पब्लिसिटी कमेटी। अगेंस्ट द नेम डिफाइंस द रोल, पब्लिसिटी करना, इवेंट की पब्लिसिटी करना ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट हो सके, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेटिंग टीम इसमें आ सके। आफ्टरवर्ड्स अकोमोडेशन कमेटी, अकोमोडेट करना, कौन कहाँ पर जाएगा, कैसे रहेगा, क्या चीज शेयर करनी है और किसको किस टाइम क्या बताना है, क्या डिटेल करना है, पूरा इवेंट को अकोमोडेट करना, ये इस कमेटी का काम है। आफ्टरवर्ड्स ट्रांसपोर्ट कमेटी, कौन सी टीम को इवेंट के लिए कहाँ ले जाना है, फिर उसको एग्जैक्ट वेन्यू पे कैसे छोड़ना है, ये सारा ट्रांसपोर्ट कमेटी का टू एंड फ्रो वाला जो काम है सारा ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम है, किसको कहाँ से ले जाना है, कहाँ छोड़ना है एंड वापस अपने वेन्यू पे कैसे कैसे ले जाना है, सारा ये रोल आएगा आपका ट्रांसपोर्ट कमेटी के अंडर में। उसके बाद परचेज कमेटी, परचेज कमेटी में आपका इवेंट से रिलेटेड सारी चीजें आएंगे, वेदर इट इज वेलकम बुके और एंड ऑफ द सेरेमनी, क्या खरीदना है, किसके लिए प्राइस खरीदना है, किसको इनविटेशन कार्ड देना है, ये सारा परचेज कमेटी में, यानी ये खरीदारी का जो काम है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी आपकी परचेज कमेटी। आफ्टरवर्ड्स रिफ्रेशमेंट कमेटी, वाह मेरे मुंह में तो पानी आ गया, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रिफ्रेशमेंट देना,
Maybe before, during and after the tournament. सबके लिए पहले क्या देना है, बीच में क्या देना है, during the tournament यानी कि and बाद में क्या देना है, और अगर हमारे पास अच्छा बजट है, हमारे अगर पॉकेट अलाउ करती है तो हम ऑडियंस को भी समटाइम्स रिफ्रेशमेंट दे सकते हैं. अगर हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती ऑडियंस के लिए तो एटलीस्ट वी कैन अरेंज सम कैंटीन फैसिलिटीज फॉर द ऑडियंस. सो ये रिफ्रेशमेंट कमेटी का काम है. आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट एड कमेटी, ऑफकोर्स आफ्टर द टेक्निकल कमेटी इट इज द सेकेंड कमेटी यू कैन से जो कि इस इवेंट में हेल्पफुल है या फिर स्पेशली और डायरेक्टली रिलेटेड टू द पार्टिसिपेंट्स और टीम्स. क्योंकि जब भी कोई चोट लगती है तो वो इसी कमेटी का काम है कि बच्चों को या पार्टिसिपेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो और उसकी इंजरी का पूरा पूरा ख्याल कर सके. वैसे तो हम कहते हैं स्पोर्ट्स में इंजरीज आर द ऑर्नामेंट्स, ऑफ कोर्स दीज आर द ऑर्नामेंट्स, बट वी हैव टू लुक आफ्टर दीज ऑल्सो. और ज़्यादा मिस हैपनिंग ना हो तो ये सारा काम आएगा आपका फर्स्ट एड कमेटी के अंडर में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट अवार्ड्स एंड प्राइजेस कमेटी. जैसा अगेन आई एम टेलिंग हियर कि नाम से ही पता चल रहा है प्राइज देना. प्राइज देने का मतलब केवल ये नहीं है कि पार्टिसिपेंट्स को या विनर को ही प्राइज देना. समटाइम्स वी ऑल्सो गिव कॉन्सोलेशन प्राइजेस एंड मॉन्यूमेंट्स टू द डिग्नेटरीज. सो सारा जो है प्राइजेस अवार्ड्स और जो भी आप कह लो कि ट्रॉफीज वगैरह का काम है वो इसी कमेटी के अंडर में आता है. सो फ्रेंड्स नेम ऑफ कमेटी कैन बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट बट बेसिक स्ट्रक्चर विल बी सेम. यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का मेरा मतलब है एक हेड होगा, उसके अंदर फर्दर कमेटीज होंगे, उसके अंडर में और बहुत सारे कमेटीज होंगी जो कि इवेंट को सक्सेसफुल बना सकती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्कूल लेवल में कोई कॉम्पिटिशन अरेंज कर रहे हैं, कोई इवेंट अरेंज कर रहे हैं, सो इंस्टेड ऑफ दिस द एग्जीक्यूटिव कमेटी और अदर कमेटीज द नेम वट एवर आई हैव डिसाइडेड जस्ट नाउ उसके बदले में हम प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, HODs, हाउस बेयरर्स, मॉनिटर्स को भी हम रख सकते हैं. और हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो अदर देन दिस तो हम लोग स्कूल कैप्टन्स को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स बार बार मैं यही बता रही हूँ आपको, बेसिक फंडा विल बी द सेम. एंड नाउ अदर देन दिस कमिटीज वन मोर टैलिस्मैन आई वॉन्ट टू शेयर विद यू. पोस्ट कोड किसी भी इवेंट को सक्सेस करने के लिए 7 स्टेप का ये है जो हमारा, आप इसको जादू वाला मंत्र कह लो या इन इंग्लिश वी कैन से टैलिस्मैन, दैट इज पोस्ट कोर्ब. पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग एंड लास्ट वन इज बी फॉर बजटिंग. अगर ये 7 चीज़ें आपके अवेलेबल हैं एंड अकॉर्डिंग टू दीज 7 स्टेप्स इफ़ यू फॉलो एनी इवेंट और इफ यू एक्सेप्ट दिस 7 स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज एनी इवेंट डेफिनेटली यू विल सक्सेसफुल एंड योर इवेंट विल बी सक्सेसफुल. सो फ्रेंड्स आज हमने जो डिस्कस किया वो किया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बारे में, यानी कि किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए या सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारी कौन सी कमेटीज होनी चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, उनका क्या रोल है और बेसिक स्ट्रक्चर. सो थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपको करनी हो और आपको कोई भी कमेंट्स देने हो, सो वेरी वेल यू कैन हैव माई एड्रेस ऑन द स्क्रीन dropifoki@gmail.com. थैंक यू वंस अगेन.